हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने सतरंगी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये डबल कलर निटिंग पैटर्न बनाना बता रही हूँ। ये 9 फंदे का पैटर्न है। पैटर्न डालने के लिए ये देखिए, मैंने 27 फंदे डाले हुए हैं और 2 सलाई सादा बुन लिया है। अब देखिए, पहले 7 फंदे व्हाइट बुनेंगे, ये देखिए 7 फंदे व्हाइट बुन लिए। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा पिंक बुन लेंगे। अब ये धागा पीछे ले जाएंगे। अब 11 फंदे व्हाइट बुनेंगे। सात, आठ, नौ, 10, 11। ये देखिए 11 फंदे व्हाइट हो गए। अब देखिए, ये पिंक धागा आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब ये धागा पीछे ले जाएंगे और ये 7 फंदे व्हाइट सीधे बुन लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए, पहले 7 फंदे व्हाइट बुने, फिर ये एक फंदा पिंक उल्टा बुना, फिर 11 फंदे व्हाइट बुने, फिर ये एक फंदा पिंक उल्टा बुना, फिर ये 7 फंदे व्हाइट। अब हमारी अगली सिलाई, पहले 6 फंदे व्हाइट उल्टे बुनेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई है। 6 फंदे व्हाइट उल्टे बुन लिए। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे पिंक उल्टे बुन लेंगे सीधे। एक ये और ये पिंक वाला, 3 फंदे पिंक सीधे बुन लेंगे। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और ये फंदे व्हाइट बुन लेंगे। ये 9 फंदे व्हाइट बुने जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब फिर से पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और ये 3 फंदे पिंक बुन लेंगे सीधे। पिंक धागा आगे ले आएंगे और ये बाकी के जो 6 फंदे बचे हैं इन्हें व्हाइट बुन लेंगे। अगली सिलाई, 5 फंदे व्हाइट सीधे बुनेंगे। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और ये एक व्हाइट फंदा पिंक बुन लेंगे। ये पिंक फंदे भी पिंक बुनेंगे। अब ये व्हाइट फंदा भी पिंक बुनेंगे। ये पिंक फंदे सारे उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे ले जाएंगे। अब 7 फंदे व्हाइट बुनेंगे सीधे। 3, 4, 5, 6, 7। अब फिर से पिंक धागा आगे लाएंगे। अब ये 3 फंदे और एक फंदा ये व्हाइट और एक फंदा ये व्हाइट, यानी कि 5 फंदे पिंक उल्टे बुन लेंगे। 4, 5, पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, ये 5 फंदे व्हाइट सीधे बुन लेंगे। अब देखिए, पहले 4 फंदे व्हाइट उल्टे बुनेंगे, अब एक ये फंदा और एक ये फंदा, ये दोनों फंदे भी पिंक बुने जाएंगे, यानी कि अब हम 7 फंदे पिंक बुनेंगे। पिंक धागा पीछे ले जाएंगे
और सात फंदे सीधे पिंक बुन लेंगे। सात पिंक धागा आगे ले आएंगे। अब ये फंदे वाइट बुने जाएंगे, पांच फंदे, तीन चार पांच। अब फिर से पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और ये सात फंदे पिंक बुनेंगे, एक फंदा ये वाइट और पांच फंदे ये पिंक और एक फंदा ये वाइट। ये हमारे सात फंदे पिंक बुन लिए। अब धागा आगे ले आएंगे। अब ये बचे हुए फंदे वाइट उल्टे बुन लिए जाएंगे। अब अगली सिलाई, पहले तीन फंदे वाइट सीधे बुने जाएंगे। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और नौ फंदे उल्टे बुन लेंगे। छः सात आठ और नौ, नौ फंदे उल्टे बुन लिए, पिंक धागा पीछे ले जाएंगे। अब तीन फंदे वाइट सीधे बुन लेंगे। अब फिर से पिंक धागा आगे लाएंगे और नौ फंदे उल्टे बुन लेंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ, ये नौ फंदे पिंक उल्टे बुन लिए हैं, ये नौ फंदे पिंक उल्टे बुन लिए। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, तीन फंदे वाइट सीधे बुन लेंगे। अब देखिए हमारी अगली सिलाई, पहले तीन फंदे वाइट उल्टे बुन लेंगे। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और जो पिंक फंदे हैं उनको पिंक ही बुन लेंगे सीधा, ये पिंक फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये नौ फंदे थे, नौ फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं पिंक। अब धागा आगे ले आएंगे। अब ये वाइट फंदे वाइट ही बुने जाएंगे। अब फिर से पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और नौ फंदे पिंक सीधे बुन लेंगे। अब पिंक धागा आगे ले आएंगे। अब ये तीन फंदे वाइट उल्टे बुन लेंगे। अब हमारी अगली सिलाई, पहले तीन फंदे वाइट सीधे बुन लेंगे। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और चार फंदे पिंक उल्टे बुन लेंगे। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, ये एक फंदा वाइट बुनेंगे सीधा। अब फिर से पिंक धागा आगे लाएंगे और चार पिंक फंदे उल्टे बुन लेंगे, दो तीन चार, ये चार फंदे पिंक उल्टे बुन लिए। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये तीनों फंदे वाइट वाइट ही बुने जाएंगे सीधे। अब फिर से पिंक धागा आगे लाएंगे और चार फंदे पिंक उल्टे बुन लेंगे, पिंक धागा पीछे ले जाएंगे। अब एक फंदा वाइट बुनेंगे सीधा, ये एक फंदा सीधा वाइट बुन लेंगे। अब पिंक धागा आगे लाएंगे
और चार फंदे पिंक उल्टे बुन लेंगे। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो व्हाइट फंदे हैं तीन, इनको व्हाइट सीधा बुन लिया जाएगा। अब हमारी अगली सिलाई, पहले तीन फंदे व्हाइट उल्टे बुन लेंगे, अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और तीन फंदे पिंक सीधे बुन लेंगे। अब धागा आगे ले आएंगे। अब ये देखिए, एक ये व्हाइट फंदा और एक ये पिंक और एक ये पिंक, तीन फंदे व्हाइट उल्टे बुने जाएंगे। अब फिर से पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और ये तीनों फंदे सीधे बुन लेंगे। अब पिंक धागा आगे लाएंगे, ये तीनों व्हाइट फंदे व्हाइट उल्टे बुन लिए जाएंगे। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे और तीन फंदे पिंक सीधे बुन लेंगे। अब पिंक धागा आगे ले आएंगे। अब एक ये फंदा व्हाइट और एक ये और एक ये, तीन फंदे व्हाइट बुन लिए जाएंगे। तीन फंदे व्हाइट उल्टे बुन लिए। अब फिर से पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, अब इन तीन पिंक फंदों को सीधा बुन लेंगे। पिंक धागा आगे ले आएंगे, ये तीनों फंदे व्हाइट उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए हमारी अगली सिलाई, पहले चार फंदे व्हाइट सीधे बुन लेंगे, तीन चार। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और ये दोनों पिंक फंदे उल्टे बुन लेंगे। पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, अब ये तीनों व्हाइट फंदे व्हाइट सीधे बुन लिए जाएंगे। दो तीन। अब फिर से पिंक धागा आगे लाएंगे और ये दोनों पिंक फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, अब पांच फंदे व्हाइट सीधे बुने जाएंगे। दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे व्हाइट सीधे बुन लिए। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और ये दोनों पिंक फंदे उल्टे बुन लेंगे। पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, अब ये तीनों फंदे व्हाइट सीधे बुन लिए जाएंगे। अब पिंक धागा आगे लाएंगे और दो फंदे पिंक उल्टे बुन लेंगे। पिंक धागा पीछे ले जाएंगे, अब ये पिंक फंदा और ये तीनों व्हाइट फंदे, चार फंदे व्हाइट सीधे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं पहले दो सिलाई व्हाइट से प्लेन निकाल लूंगी। अब ये हमारी बुनाई इस तरह से दिखाई दे रही है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।